जैसे ही राजा परीक्षित घर पहुंचते मुकुट उतार के धारण नीचे रखते ही राजा परीक्षित की विवेक बुद्धि जागृत होती है और मन में बड़ा पश्चाताप होता है और कहते हैं, अरे मेरे हाथ से कितना बड़ा अपराध हुआ, आज एक संत का अपमान मेरे हाथ से हुआ। और अपने पति को बात बताने लगते हैं और कहते हैं, आज मेरे हाथ से जीवन में मैं पांडु का पौत्र है, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण की भी रक्षा नहीं की, संतों की रक्षा करने के लिए सर्वस्व का त्याग किया, ऐसे पांडु पौत्र होने के एक नाते भी मुझे मेरे ऊपर धिक्कार होना चाहिए। मुझे अपने आप को धर्माचारी, धर्म धुरंधर, धर्म आचरण करने वाला मानता हूं, यही धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाले व्यक्ति का मैंने आज अपमान किया। बड़ी मन में व्यथा, राजा परीक्षित के मन में बड़ा दुख। और जैसे द्वारपाल जाते और कहते हैं, महाराज कोई ऋषि शमी आए हैं और आपको इसी समय इसी वक्त मिलना चाहते हैं। राजा परीक्षित समझ जाते हैं, अरे मैंने जिस संत का अपमान किया वही संत आए होंगे। वो कहते अगर मुझे कोई भी दंड अगर दे मैं वो दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और तुरंत अपने भार आते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते, कृष्ण कन्हैया और महाराज श्री को प्रणाम करते हुए चारों लेके आते हैं, कहते हैं महाराज श्री को बिठाते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन हे सौनी को ऋषि शमिक के चेहरे पे बड़ी चिंता के लकीरें थी, उनका आदर सत्कार आदर भाव। हमारे संत तुकाराम महाराज कहते हैं, संत येति घरा तोची दिवाली दशहरा। मराठी में कहा है, संत अगर घर में आते हैं वो दिवाली और दशहरे के समान उस घर में भाग्य उदय हो जाता है। संत घर में आना इतनी कोई साधारण बात नहीं होती भाइयों, तपस्वी संत घर में आना। तो ऋषि जैसे ही बैठते उनके चिंता की लकीरें को देखते हुए कहते, महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, प्राय भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। हे राजन, आज से 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। और मैं चाहता हूं कि आप भागवत महापुराण का श्रवण करें और अपने आत्मा का उद्धार करें, इससे बड़ा कोई श्रेष्ठ पुण्य नहीं है। ऋषि उनको कहते हैं, महाराज अभी ज्यादा समय नहीं है, आप 7 दिन के अंदर उस पर ब्रह्म परमात्मा के चरित्र का 24 अवतारों का कथा का श्रवण करते करते अगर आप अपनी आत्मा को इस शरीर के साथ से अलग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष मिलेगा। राजा को निश्चिंत कर देते, राजा उसी समय उसी पल सर्वस्व का त्याग करके गंगा तट पे आकर बैठ जाते हैं। हे सौनी को कई सभी जितने भी प्रजाएं थी, साधु संत महात्मा थे, कोई कहते हैं जाप करो, अनुष्ठान करो, तप करो, ध्यान करो, दान दो, इसका पाप नष्ट हो जाएंगे, इनकी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन राजा परीक्षित ने तुरंत जल का त्याग करके उस पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति में तल्लीन हो गए। और तल्लीन होने के बाद जैसे ही सुंदर आकर्षक सम्मोहक तपस्वी व्यक्ति, मैं कहता हूं अगर कोई अच्छा व्यक्ति तो उसको अच्छी व्यक्ति मिल जाएंगे, संगति संग दोषेन। मनुष्य का अगर पुण्य उदय होता है तो अच्छे संत का सानिध्य मिलता है। और जैसे ही राजा परीक्षित वहां बैठ जाते हैं और तुरंत एक आकर्षक 16 वर्षीय बड़े सुंदर बड़े घुंघराले बाल, आकर्षक तेज में, तपस्वी में, वैराग्य में, ऐसे
सुखदेव जी महाराज पधार देते। बोलो सुखदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण सावण में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, हम में राधे राधे, आप में राधे राधे, राधे 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 राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, यमुना में राधे राधे, यमुना में राधे राधे, हरिद्वार में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, राधे 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 से नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मैं तो आया हूँ तेरे द्वार। ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा की ईश्वर स्वरूप, उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सुखदेव जी महाराज आते हैं। सभी साधु संतों ने अपना अपना मंतव्य बताने के बाद कहते हैं, महाराज ध्यान धारणा तपस्या दान धर्म करते हुए इनकी जो मृत्यु बला आई है, मैं कहता हूं कि राजा परीक्षित तुम भी है और हम भी है। परीक्षित किसको कहा है?
जिसने संसार को और परमार्थ को, सत्य और असत्य को जानकर जो परमार्थ का मार्ग चुना है वो परीक्षित है। 7 दिन तो सभी मरने वाले हैं, कोई 8वां दिन तो आया नहीं भाई। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, कोई 8वां दिन है? वास्तविक मनुष्य की जो उम्र है वो 7 दिन की है। जितना भी जीता है वो 7 दिन में जीता है। कोई 8वां काला पीला नीला हरा, राजा परीक्षित, आप भी राजा परीक्षित है। इस 7 दिन के अंदर जो भी इस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, लोग तो कहते त्याग करे, मैं कहता हूं घर में बैठे बैठे पर ब्रह्म परमात्मा को भक्ति करे। लेकिन मनुष्य अंतिम समय बाल्यकाल तारुण्य अवस्था रुद्ध अवस्था होने तक भी मनुष्य परमात्मा को याद नहीं करता। इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, कब सुमरोगे राम अब तुम, कब सुमरोगे राम राम, कब सुमरोगे राम अब तुम, कब सुमरोगे राम, कब सुमरो कबीर जी महाराज कहते हैं, अरे कब आप परब्रह्म परमात्मा का भजन आप कब करेंगे? आगे कहते हैं, गर्भपन में हाथ जुड़ायो, गर्भपन में हाथ जुड़ायो, निकल गया बेईमान कब सुमरोगे राम अब तुम, कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम अब तुम, कब सुमरोगे राम। कबीर जी महाराज कहते हैं, गर्भपन में हाथ जुड़ायो निकल गया बेईमान। गर्भपन में प्रार्थना करता है और मरने के बाद आपको जन्म लेते ही पता है बच्चा वाह करता है। जन्म लेते ही परमात्मा उसको पूछते हैं, मुझे भूला? तो कहता है वाह क्यों कहता है पता है? भगवान तू तो वहां है और मैं यहां हूं, मुझे नहीं पता आप कौन है। इसलिए कहते गर्भपन में हाथ जुड़ायो निकल गया बेईमान अब तुम, कब सुमरोगे राम। आगे कहते हैं, बालकपन में खेल घुमायो, बालकपन में खेल घुमायो, तरुण पनों में काम अब तुम, कब सुमरो आगे कहते हैं, बूढ़ेपन में कापन लागे, बूढ़ेपन में कापन लागे, बूढ़ेपन में कापन लागे, निकल गया उसान। मुंह में दांत नहीं होते हैं, आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता, पैरों से चलाया नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं दांतों की तरह अहंकार जो खड़े होते हैं ना वो जल्दी गिर जाते हैं। एक बार दांत और जीवान की लड़ाई हो गई, तो दांत जीवान को कहता है, अरे ज्यादा पटर पटर बड़बड़ मत करा कर ज्यादा,
अगर एक दिन क्रोध आया तो दोनों दांतों के बीच में चबा दूं तो दो टुकड़े कर दूंगी। तो जिबान दांत से कहती है, अरे ज्यादा अहंकारी मत बन, मैं तो इस शरीर का जन्मजात साथी हूं, तू तो बाद में आता है और मेरे पहले तू चला जाता है। बोले ज्यादा अहंकारी मत बन, अगर तुझे जाना ही है तो, अगर दांत कहता है ज्यादा अहंकारी तू भी मत बन, तू ज्यादा लचीलापन तेरे अंदर है इसलिए तू अपने साथ में रहती है। मैं कहता हूं कि शरीर में अगर मुलायमता हो, नम्रता हो तो वो साथ में आती और साथ में जाती है। इसी तरह से दोनों के झगड़ों में, दोनों की बड़ी झगड़े हो गए तो जिबान कहती चुप हो जा, अगर किसी को दो चार गाली दे दूंगी तो 32 की 32 बाहर आ जाएगी। बोले इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, अरे बूढ़ेपन में राम नहीं कहा जाता है, लांब कहा जाता है, दूर हो जाता है व्यक्ति भगवान से, भगवान का चिंतन श्रवण नहीं किया जाता है, देखा नहीं जाता है, मुंह से शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, बूढ़ेपन में कापन लागे, बूढ़ेपन में कापन लागे, निकल गया अवसान अब तुम कब सुमरो, कबीर जी महाराज कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अखेर मोत निदो जी महाराज कहते हैं, कहत कबीरा सुन बे साधो, अखेर मौत निधान, अंतिम समय आने तक मनुष्य अपने जीवन में फिर भी ईश्वर को याद नहीं करता है। और मनुष्य का मूल उद्देश्य पर ब्रह्म परमात्मा को याद करने के लिए ईश्वर ने हम मृत्यु लोक में भेजा है। लोग कलयुग को बड़ा खराब मानता है, लेकिन मैं कहता हूं साधक के लिए बड़ा श्रेष्ठ युग है। जैसे कोई एक बाप के चार बेटे होते हैं और कोई थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है तो उसको और मौके दिए जाते हैं, सुधर जा, इसी तरह से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये हमारे पर ब्रह्म परमात्मा के बेटे हैं। कलयुग अगर बिगड़ा भी है तो ये मोक्ष युग है। हर युग की एक परंपरा है, कला है। त्रेता में ध्यान धारणा करने से, सत में यज्ञ करने से, तपस्या करने से, और कलयुग में खाली एक कलयुग एक नाम धारा, कलयुग के नाम धारा, कलयुग में खाली एक पर ब्रह्म परमात्मा का नाम, राम लो, कृष्ण लो, लेकिन श्रद्धा से, विश्वास से अगर एक बार भी अगर आप नाम लें तो अनेकों जन्मों के पाप मनुष्य के नष्ट होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उल्टा नाम जपे सब जान, वाल्मीकि भये ब्रह्म समान। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति ब्रह्म के समान हो गए,
लेकिन परमात्मा कहते हैं, अरे अगर मुझे एक बार अगर कोई याद कर ले, स्मरण कर ले, चिंतन कर ले, भजन कर ले, पूजन कर ले, खाली जहां बैठा है उसके लिए कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम परब्रह्म परमात्मा के लिए जल भी नहीं चाहिए, फूल भी नहीं चाहिए, खाली मनुष्य के मन में भाव जागृत होने चाहिए। जिसने भी भाव जागृत करे उसके सानिध्य में परमात्मा है। ऐसे सुखदेव जी महाराज वरियाणे शुते प्रश्न करते लोको हिते नृपम आत्मविद सम्मता पुंसो श्रोतव्यादोषी परम। सभी साधु संत महात्माओं ने कहा कि राजन आप ये करो ते करो ऐसा करो, लेकिन हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं मुक्ति के साधन अगर अपने पास ज्यादा समय नहीं है, 7 दिन है और 7 दिन के अंदर आपको मुक्ति चाहते हो, आप करोड़ों जाप करो, करोड़ों यज्ञ करो, करोड़ों दान करो, लेकिन उससे आपकी मुक्ति नहीं होगी। वरियाणेषु ते प्रश्नाकृतो लोको मिते नृशा आत्मविसम्मता पुंसो श्रोतो व्याधीषु परम। श्रवण करने से, उस पर ब्रह्म परमात्मा के चरित्र का श्रवण करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। हे राजन अगर आपको मुक्ति चाहते हो, 7 दिन के अंदर पूर्ण आपको मोक्ष चाहते हो तो श्रीमद् भागवत बिठाओ। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज उसके लिए कैसा भी हो अगर मनुष्य के मन में भाव उत्पन्न हो जाए तो उसको मुक्ति नीचे भाव कु भाव अनक आलसु भाव कु भाव अनक आलसु विकु भाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिसदसहु नाम जपत मंगल दिसदसहु भाव कु भाव अनक आलसु भाव कु भाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिसदसहु। गोस्वामी जी महाराज ने कितनी सरल बात कही, नाम जपत मंगल दिस दस हूं, दस ही दिशाओं पे मंगल ही मंगल हो जाता है। कृष्ण कन्हैया की जय। कितना सहज और सरल उपाय हमारे लिए कलयुग में, हमारे साधु संत महात्माओं का कितना उपकार हमारे ऊपर है, जो सहज में से दूध दही, दही को मत कर मक्खन और मक्खन से भी घी तैयार करके हमको दिया है, वो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत जो श्रवण करता है, और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन श्रोतव्यादिशु या परा, खाली एक ही साधन से आपको मुक्ति मिल सकती है महाराज, वो है भागवत। सुखदेव जी महाराज बड़े दोनों विनम्र हाथ से जोड़कर अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते, गुरुदेव मैंने ऐसा कौन सा पुण्य पूर्व जन्म में किया कि जो आप जैसे गुरु मुझे मिले, जो मुक्तिदाता मोक्षदायक सन्मार्ग दिखाने वाले ऐसे गुरु का सानिध्य मुझे मिला। तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते राजन आप तो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो, जन्म के समय परमात्मा के दर्शन आपको हुए और अंतिम समय जिस परमात्मा ने स्वयं दर्शन दिए हैं उनके चरित्र का वर्णन सुनते सुनते आपको मोक्ष प्राप्त होगा, इससे बड़ा सौभाग्य किसको मिलेगा। आप इतने सौभाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं कि जन्म समय और अंतिम समय, मैं लोगों को कहता हूं जीवन में बाल्यकाल बिगड़ा,
तारुण्य काल बिगड़ा, रुद्ध काल बिगड़ा, बिगड़ने दो, लेकिन मनुष्य का मृत्यु काल नहीं बिगड़ना चाहिए। जिसका मृत्यु काल बिगड़ गया वह जन्म जन्मांतर भटकता ही रहता है। तेतम मुक्तमा स्वर्ग लोकम विशालम शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। कई लोग पुण्य कमाकर स्वर्ग लोक जा सकते हैं, लेकिन क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वापिस पुण्य समाप्त होते ही स्वर्ग लोक में आते हैं। लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा का नाम लेते ही मनुष्य को मोक्ष अपने आप स्वयं लेने के लिए आता है। मनुष्य के इर्द गिर्द मोक्ष घूमता रहता है, काय से वो खाली श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने से। और राजन आप तो श्रीमद भागवत कथा श्रवण करवाओ, उस परब्रह्म परमात्मा के चरित्र का रसपान रस स्वाद करें, और ऐसा करते ही हमारे राजा परीक्षित निराहार निर्जल होकर व्रत निर्जल। हम लोग तो व्रत ऐसा करते हैं, कल ग्यारस है एकादशी है तो आज रात में 11 बजे खाते, क्यों कि कल भूख नहीं लगनी चाहिए, ऐसा व्रत हम लोग करते हैं। सुबह उठते ही 2-4 लीटर दूध पी जाती है, 2-3 किलो की खिचड़ी चाहिए साबुदाने की, क्या है तो हमारे उपवास है। 4 बजे 1-2 किलो का मोरधन चाहिए, और शाम को और सोते समय क्योंकि रात में भूख नहीं लगे 2-4 किलो मूंगफली चाहिए, ऐसा लगता है कोई भैंस खा रहे हो। जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो और ज्यादा खाते हो, अरे ऐसा व्रत करने के बजाय रोटी खा लो, स्वास्थ्य को क्यों बिगाड़ रहे हो आप। व्रत का नियम होता है कि एक दिन पहले एक समय का भोजन और दूसरे दिन एकादशी का निर्जला, थोड़ा बहुत पानी पी ले मुंह सूख जाए तो, और दूसरे दिन सूर्योदय होते ही तुलसी का पत्ता खाकर व्रत तोड़े। आजकल तो क्या शनिवार है, हम थाली में देख तो इतनी बड़ी खिचड़ी देखने के लिए मिलती, इससे अच्छा रोटी खा लो। लेकिन राजा परीक्षित बड़े धर्म धुरंधर धर्माचारी व्यक्ति होने के कारण अपने आप में उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने आप को तपस्वी में उन्होंने कहा, गुरु महाराज मैं निर्जल रहूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत होती है, आज के कथा का समय अपना समाप्ति के ओर है। दो पल कल अपन राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का संवाद श्रवण करेंगे। देखो भाइयों, जीवन में अनेकों प्रकार के सुख दुख तो आते रहेंगे, अपने कर्म से आते हैं, अपने कर्म से अपने को फल मिलता है। मैंने कल आपको कहा था कि मनुष्य माँ के पेट में गर्भ की स्थापना होते ही वो भाग्य रूपी टिकट साथ में लेके आता है। जैसा आपको ट्रेन में बैठना हो तो कैसा भाग्य होता है, कहां से बैठा, कहां तक पहुंचेगा, कौन सा बर्थ है, कितनी उम्र है, इसीलिए सभी लोग आप अपने भाग्य के हिसाब से अपने भाग्य को दोष मत दो, अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करो। कर्म सुधर जाए तो अपने आप सब अपने आप सुधर जाएगा, ईश्वर भी अपने आप सभी पाप का विनाश हो जाएगा। और मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूं कि श्रीमद् भागवत कथा अपन रोजाना श्रवण करें। और आज बड़ी मेरे शिष्य हैं या मेरे ये, इसलिए नहीं बता रहा हूं, मेरे बड़े धार जिले के एक शिष्य हैं, उस व्यक्ति का जिक्र इसलिए कर रहा हूं मैं। हर साल वो व्यक्ति 108 निशुल्क रूप से बिना चंदे का वो व्यक्ति कन्यादान करते हैं। हमारे बालमुकुंद जी गौतम करके वो भी आए हुए हैं,
कहाँ आए बालमुकुंद जी? हमारे बालमुकुंद जी बड़े उद्योगपति धारक हैं। अभी मैं पिछले महीने उनके कार्यक्रम में गया था, 108 कन्याओं का कोई चंदा, एक एक बच्चे को 20,000 रुपए के बर्तन दिए और सोने का मंगलसूत्र, एक एक तोले की सोने की चेयर और 2 एम्बुलेंस हर साल, ऐसा इतना दान पुण्य करते हैं। मैंने आपको पहले कन्यादान का महात्म्य तो सुनाया, ऐसे हमारे बालमुकुंद जी गौतम यहाँ आए हुए, ऐसे इतने बड़े भगवान ने उनके भाग्य से उनको दिया है, लेकिन धर्म भी वो साथ में करते। ऐसे हमारे पिछड़े आयोग के अध्यक्ष रहे गजरा राजेंद्र राजू जी, हमें गजेंद्र राजू खेड़ी जी भी आए हैं, पूर्व सांसद हैं, बड़े सहज और सरल हमारे धार जिले के आए हुए हैं। ऐसे लोग जीवन में रहते, धर्म में जीवन बिताते हैं, तो निश्चित रूप से धर्म हमारा कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। हमारा भागवत सेवा समिति जो हर साल कथा करते, उनके बड़ा पुण्य का काम करते हैं। हमारे भागवत इतना महान ग्रंथ को श्रवण आप लोगों से करवा रहे, बड़ा पुण्यवान ग्रंथ और मनुष्य को मोक्ष देने वाला ग्रंथ, हमारे भागवत सेवा समिति के माध्यम से एक कारक का प्रोग्राम चलते हैं। मैं सभी से, और अपन कल से, आज तो थोड़ा समय 7 बज गए, 7 बजकर ज़्यादा, थोड़ा बहुत आधा घंटा 1-2 घंटा आगे भी बढ़ाए तो कोई चिंता वाली बात तो नहीं है। एक भी आवाज नहीं आ रही अंदर से, सब उठ उठ के हमारे माताजी जा रही है, इसलिए अपन कल थोड़ा लेट भी पूरी कथा को अपने को पूरा करना है, तो अपन इस कथा को आज इसी जगह पे समाप्त करते हैं और 2 पल भजन करके फिर आरती करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। गो माता के लिए दान देना दे रहे हैं, जो भी आपकी भावना हो गो माता के लिए दान दे, गौशाला के लिए दान धर्म जा रहा है, ये सब जो भागवत हो रही है गौशाला के लिए हो रही है। आप जितने भी आपकी इच्छा हो, मैं कहता हूं 1 रुपये क्यों ना हो तो आप अपना दान दे दे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम।
गाओ सब गाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की अब अपने माता पिता की सब संतन की गो माता की अब अपने माता पिता की सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव भगवान की जय हो कुछ बात गुरुदेव की जय हो। बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि आज के कथा के दूसरे दिन जैसा कि पूज्यपाद गुरुदेव ने व्यासपीठ से फरमाया हमारे बीच बाल मुकुंद जी गौतम साहेब पूर्व सांसद गजेंद्र जी राजू खेड़ी से जो पधारे गजेंद्र जी जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं माननीय शत्रुघ्न जी और अहमदाबाद से पधारे कुलवंत भाई से निवेदन है कि वे व्यासपीठ पर माल्यार्पण करके पूजन करने का कष्ट करें। माननीय बाल मुकुंद जी गौतम साहेब गजेंद्र जी माननीय शत्रुघ्न जी और कुलवंत भाई जी आपसे विनम्र निवेदन है कि माल्यार्पण करके व्यासपीठ का पूजन करें। गो सेवा सहायतार्थ भागवत हो रही पत्रम पुष्पम फलम तोयम आप सब लोग अपने थोड़ा थोड़ा एक रुपया भी अगर आप दान दें तो मुझे बड़ा आनंद होगा इसलिए सब लोग मुक्त हस्त से हमारे मेहमान पूजन कर रहे हैं। एक विशेष सूचना ठीक 8:30 बजे इसी परिसर में प्रसिद्ध भजन गायक अहमदाबाद के नंदू जी महाराज की भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। पिछली रात्रि को आपने रात भर उदयपुर में अपने भजनों से लोगों को लाभान्वित किया है। आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर नंदू महाराज के भजनों का आनंद उठावे सब परिवार अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारें और इसके पश्चात आरती लेकर ही प्रस्थान करें। माननीय बाल मुकुंद जी गौतम साहेब गजेंद्र जी शत्रुघ्न जी और कुलवंत भाई जी व्यासपीठ का पूजन कर रहे हैं। हम आश्रम परिवार की ओर से आदरणीय भारत भूषण जी गांधी मिंटू भैया से निवेदन करते हैं कि वे बाल मुकुंद जी गौतम का आश्रम परिवार की ओर से सम्मान करें स्वागत करें। हम निवेदन कर रहे हैं तेजू भाई से कि वे पूर्व सांसद गजेंद्र जी राजू खेड़ी का आश्रम परिवार की ओर से स्वागत सम्मान करें। हम निवेदन कर रहे हैं विकास भाई से कि वे आश्रम परिवार की ओर से माननीय शत्रुघ्न जी का स्वागत सम्मान करें। आज नंदू भाई की बड़ी खाटू श्याम के प्रसिद्ध भजन गायक नंदू भाई जी हैं उनकी भजन संध्या है आप सब लोग उस भजन संध्या में जरूर पधारें। इस 7 दिन का जो यज्ञ है इसके अंदर थोड़ा घर को ताला लगा कर भजन संध्या का भी आनंद ले। भारत भूषण जी से निवेदन है कि वे कुलवंत भाई जी जो अहमदाबाद से हमारे बीच पधारे हैं गुरुभक्त कुलवंत भाई जी का आश्रम परिवार की ओर से सम्मान करें।
पहले दिन की गुरुदेव की कथा की वीडियो सीडी 4 सेट्स में उपलब्ध है, 4 की संख्या में। आप सब मंच के बाईं तरफ स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। और निवेदन कर रहे हैं मुख्य यजमान माननीय मणिराम जी और उनकी धर्मपत्नी जी से कि वे पधारें और आरती का लाभ लेवे। प्रत्येक दिन की कथा की सीडी का सेट आप मंच के बाईं तरफ जो हमारी स्टॉल लगी हुई है दाईं तरफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी उपस्थित महानुभाव से निवेदन है आरती और प्रसाद प्राप्त करके ही प्रस्थान करें। और प्रसिद्ध भजन गायक नंदू जी महाराज की भजन संध्या 8:30 बजे इसी परिसर में रखी गई है। सब परिवार पधार कर भजन संध्या का आनंद लें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। खड़े हो आरती, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर आरती का लाभ लें। Thank you.
पुष्पांजलि ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जनकदेवा शांति बनाए रखें आराम से आरती और प्रसाद ग्रहण करें स्थानि धर्माणि देहनाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वे पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरं ॐ मन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने गया मन का भी कि दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्री दुनिया क्या मंत्र दीक्षित गुरु भक्तों लगी गुरु संग प्री दुनिया पांच बजे से तीन दिवसीय ध्यान योग और प्राणायाम का एक शिविर आरंभ होने वाला है क्या जाने सभी अपना पंजीकरण करवा ले क्या जाने कोई क्या जाने अपना पंजीकरण करवा ले को मिला जो या माइक के पास हमारे पास उपलब्ध है जिस किसी का हो अपना